चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बता रहा हूँ थोड़ा ऑप्शन चेन के बारे में। तो जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन किया है, लेकिन यहाँ पे मैं धन के बारे में थोड़ा आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि ऑप्शन चेन के बारे में। धन का जो ऑप्शन चेन है वो एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको इको फ्रेंडली आपको मिल जाता है, जो कि चार्ट के ऊपर जैसे आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने धन का जो टर्मिनल है, यहाँ पे जो चार्ट है वहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगाया, तो निफ्टी फिफ्टी का जो चार्ट है उसका ऑप्शन चेन थोड़ा एनालिस करेंगे, और कोई एक स्टॉक्स का ऑप्शन चेन एनालिस करेंगे, और यहाँ पे धन के प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस ब्रोकर के थ्रू यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा, निफ्टी का जो 5 मिनट का चार्ट है इस तरह का प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे मैं इस चार्ट के ऊपर राइट क्लिक कर लेता हूँ, तो राइट क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने को मिलता है। तो चलिए जैसे मैं ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा, ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन हो गया। एक ही सिर्फ राइट क्लिक करने का और ऑप्शन चेन पे क्लिक करने का, जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली लाइव डेटा आपके सामने आपके चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। और इसको इस तरह से साइड में करके आप आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह जो रहेगा वो सब आप ऑब्जर्व वगैरह कर सकते हो। तो ये एक अच्छा और एक बढ़िया तरीका है जो कि ऑप्शन ट्रेडर के लिए, जहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, उसके बारे में देखने को मिल रहा है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी का सिंबल दिया है, और यहाँ पे पीसीआर रेशो भी यहाँ पे इन्होंने शो किया, जो कि पुट कॉल रेशो रहता है। मार्केट का लॉट साइज 25 चल रहा है, जो कि एक्सपायरी है, जो कि 4 डेज में यहाँ पे एक्सपायर होने वाले यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी जो मार्केट चल रहा है 23,050 के नियर में, एट द मनी इसको बोलते हैं। और जो कॉल साइड का जो पे कलर है, ये जो डार्क साइड में कलर है, तो इसको बोलते हैं इन द मनी, आईटीएम बोलते हैं। और इसका पुट साइड में इसको बोलते हैं आईटीएम बोलते हैं। और जो व्हाइट का पार्ट है, जो व्हाइट में देखने बोल रहा है, वो ओटीएम है। तो जब भी आप ट्रेड करें ऑप्शन चेन में, तो यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। मोस्टली मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओटीएम में ट्रेड मत कीजिए। इन द मनी में अगर जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको क्या होता है, आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखें तो अच्छे से पॉइंट्स वगैरह गेन देखने को मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना है, तो जैसे मेरे को समझो 23,000 के लेवल पे कॉल में बाय ट्रेड करना, जैसे मैं बाय के ऊपर क्लिक कर ले तो डायरेक्टली यहाँ से अपना बाय का विंडो यहाँ से ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बाय का विंडो अपना ओपन होगा, और डायरेक्टली यहाँ से आप ट्रेड पंच कर सकते हो। तो ये एक अच्छा सा फ्यूचर्स यहाँ पे धन के साथ आपको मिलता है। चलिए मैं यहाँ पे उसको बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद इस तरह से आप बड़ी ऑप्शन चेन भी देख सकते हैं। इसको आपको छोटा करने के बाद आप छोटे भी कर सकते हैं। इसके सेटिंग्स में और आपको चीजें, आपको डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा सब चाहिए तो सब यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो समझो अभी मेरे को 23,000 का कॉल साइड का डेल्टा देखने का है, तो 0.61 चल रहा है, और 23,200 का जो चल रहा है 0.40। सो इस तरह से जो कॉलम्स चाहिए आपको वो कॉलम्स ही आप इनेबल कर सकते हैं। जो जिस तरह से ऑप्शन बायर रहते हैं, ऑप्शन बायर को डेल्टा के बारे में बहुत ज़्यादा चाहिए कि कहाँ पे डेल्टा बढ़ रहा है, किसका डेल्टा ज्यादा है, तो उसमें मैं जहां से ट्रेड कर सकता हूँ। तो जिसमें ज्यादा है समझो 0.80 का है, सो ऑलमोस्ट मेरे को 0.80 के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 81 इज इक्वल टू 22,600 की अगर कोई कॉल में अगर यहाँ पे मैं ट्रेड कर लेता तो उसका जो डेल्टा ऑलमोस्ट 0.81 फिलहाल के लिए मेरे को देखने को मिल रहा है। तो इसमें मैं यहाँ पे ट्रेड वगैरह अच्छे से कर सकता हूँ। उसके बाद में एक्सपायरी चेंज करें तो आप यहाँ पे एक्सपायरी देख सकते हैं, किस एक्सपायरी का डेटा में 6 जून का चाहिए, तो 6 जून का पूरा डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद अब मेरे को चलो रिलायंस का यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने का है। तो रिलायंस ऑप्शन चेन समरी जैसे जाते, तो रिलायंस इंडस्ट्री का मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन चेन समरी आ गया है। इसको आप जो भी, आपको जो भी ओआई चेंज वॉल्यूम, कितने परसेंट में वॉल्यूम को चेंज हुआ है वो देख सकते हैं, ओआई भी देख सकते हैं, आईवी देख सकते हैं। चलो आईवी का भी कॉलम में अगर कहाँ पे एम्प्लॉय वोल्टेज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इस तरह के जो ऑप्शन चेन का बढ़िया फीचर्स है आपको धन में मिलता है। तो इसको एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, सभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे डार्क में इन्होंने एक सी साइड का कॉलम दिखाया है, पी साइड का कॉलम दिखाया है। और जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्या है कि समझो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया, समझो यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट लगा लेता हूँ, और बैंक निफ्टी में यहाँ पे देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी वॉच कर रहा हूँ। तो जैसे मेरे को बैंक निफ्टी को ऑप्शन चेन को लेकर एनालिसिस करना है, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे जैसे क्लिक करूंगा तो मैं सिर्फ इसी रेगुलर एक्सपायरी का मेरे को देखने का, तो रेगुलर एक्सपायरी का मेरा बस पूरा का पूरा डेटा आ गया, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स है, कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा हुआ है, कहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज इन ओआई देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से मैं इजी यहाँ पे जो भी मेरे को डेटा यहाँ पे देखने का है सब कुछ यहाँ पे मिला। और जो कि लाइव प्राइस है, तो यहाँ पे लाइव प्राइस आपको यहाँ पे हर सेकंड में, मिनी सेकंड्स में यहाँ पे चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे उसके प्राइजेस, एलटीपी एंड ऑल डेटा आपको यहाँ पे लाइव में देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा सा फीचर से यहाँ पे चार्ट के ऊपर आपको ऑप्शन चेन के बारे में देखने को मिलता है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे, वीडियो में कुछ और अगर पॉइंट अगर आपको एडिशनल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके बारे में अपन डीपली एक वीडियो बनाएंगे। तो कि ऑप्शन में डेल्टा क्या रहता है, चेंज इन ओआई क्या रहता है, तो उसके बारे में डीपली वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।